हापुड़ पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में चार सटोरियों को गिरफ्तार किया है। ये सटोरी आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे थे। इनके पास से पुलिस ने 3,90,000 रुपये, एक एप्पल का फ़ोन, सैमसंग फ़ोन बरामद की है। गिरफ्तारी कितने गिरफ्तार हुए हैं? ये हापुड़ देहात और सिंधौली थाना क्षेत्र से चार सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे जो चार अभियुक्त हैं इनसे टोटल जो कैश की बरामदगी हुई है वो 3,90,000 रुपये हुई है। उसके अलावा उनके पास से दो गाड़ियां और 15 मोबाइल इनसे बरामद हुए हैं और इनसे दो लैपटॉप और एक जो रजिस्टर है जिसमें ये हिसाब किताब जो सट्टे का मेंटेन करते थे वो भी इनसे बरामद हुआ है। इसमें जो सिंभावली थाना क्षेत्र जो अभियुक्त पकड़े हैं उसमें एक का नाम नाजिम है और दूसरा तनवीर है और जो हापुड़ देहात की टीम ने चार दो लोगों को जो गिरफ्तार किया है उसमें एक आकाश है और दूसरे रविंदर है। इनके द्वारा जो आईपीएल में जो सट्टा खिलवाते हैं वो अभी इनके द्वारा खिलवाया जा रहा था। कुछ ये ऐप के माध्यम से खिलवा रहे थे, एक gmexchange.com करके एक साइट बनाई हुई थी जिनके आईडी पासवर्ड भी इनसे मिले हैं और उसके अलावा जो इनके पास लैपटॉप मिला है उसमें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी ये अपने बुकीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में थे। दिल्ली के कुछ बुकीज़ हैं जो कि आइडेंटिफाई हुए हैं इसमें और यहाँ के जो खेलने वाले थे जिनको ये पंटर बोलते हैं उसकी भी कुछ सूची हमें मिली है जिनको ये सट्टा खिलवा रहे थे। जो सट्टे का कैश का लेन देन होता था ये दो माध्यम से करते थे, एक तो बैंक अकाउंट के माध्यम से करते थे जिसके डिटेल्स हमें मिली हैं, दूसरा ये हवाला के माध्यम से करते थे जिसमें इनके पास से हमें इनके मोबाइल में कुछ नोट की फ़ोटो मिली है जिसमें 10 के और 5 के नोट हैं जिनको ये जो हवाला वाले पैसे देते हैं उनको ये नोट देते थे और वहाँ से ये पेमेंट उठाते थे। इसमें अन्य लोग भी गैंग में कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं जो यहाँ हापुड़ से भी खेलते हैं और आगे बुकीज़ के माध्यम से वो खिलवाते हैं। कुछ इसमें गाज़ियाबाद के लोग हैं और कुछ दिल्ली के हैं। तो इसमें फर्दर इसमें जो इनकी चैट्स हैं व्हाट्सएप चैट उनका भी एनालिसिस करके जो भी लोग इसमें फर्दर इन्वॉल्व होंगे जो इस पूरे गैंग को चला रहे हैं उसके खिलाफ भी हम आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।